नए साल की बधाई स्वीकारने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई पुराने राजनीतिक किस्से सुनाए। सोशल मीडिया पर इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा खूब चर्चा बटोर रहा है। नीतीश कुमार जब 2006 में पटना के एक अड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में रहने आए थे, तब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री आवास से 2 फीट मिट्टी भी अपने साथ ले गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घर की दीवारों पर जगह जगह छोटी छोटी पुड़िया भी रखी थी। सीएम ने कहा, हम तो समझ भी नहीं पाए कि इन सब का क्या मतलब था। वैसे लालू प्रसाद ने बाद में एक दिन खुद हंसते हुए कहा था कि वह सीएम हाउस में भूत छोड़कर आए हैं। ये सुनकर हम हंस दिए और कहा कि हम तो इन बातों को नहीं मानते, टोना टोटका, अंधविश्वास, ये सब बेकार की बातें हैं। नए साल पर बिहार के मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी खूब चर्चा की। सीएम ने कहा, बिल गेट्स भी यहाँ आए थे, उनको बिहार में शुरू किए गए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की जानकारी दी गई तो वह इतने प्रभावित हुए कि दिल्ली जाकर इस अभियान की सराहना की। यह अभियान जनजीवन से जुड़ा अभियान है और इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के छठे चरण पर 4 जनवरी को रवाना होंगे। सीएम पहले दिन बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा में रहेंगे। खगड़िया के तेरीहार में जागरूकता सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पहले CDS के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि जनरल रावत के मार्गदर्शन में देश की सामरिक शक्ति को अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बड़े उत्साह एवं लगन के साथ देश की सेवा की है। पूरा विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत की सुरक्षा शक्ति में वृद्धि होगी और सेना को अधिक मजबूती मिलेगी।